हर हर महादेव फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ देहरादून की ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे जो है बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो उसे 14 साल के बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, आपको पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा, क्योंकि आप बच्चों को अंदर छोड़ दीजिए, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, स्टाफ है जो कि बच्चों का ध्यान रखेगा, उनको खिलाएगा। तो आप 1-2 घंटे आराम से बाहर या अपना कुछ काम करके यहाँ पे बच्चों को छोड़ के जा सकते हो। और अंदर से कैसा है मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा है, बच्चे बहुत मज़े करने वाले हैं, विद प्राइस मैं आपको सब दिखाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। तो ये बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है, और यहाँ पे ये एंट्रेंस है। तो यहाँ पे ट्रस्ट में बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। मेरी बेटी तो बाहर आके बहुत रोई कि उसे बाहर ही नहीं आना, और 1 घंटा हमें उसको चुप कराने में लगा, और फिर हमने उसको उसकी फेवरेट चीज़ खाने के लिए दी, तब जाके वो चुप हुई है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको टिकट लेनी है, एंड टिकट का जो प्राइस है वो आर के हिसाब से है। जैसे 1 घंटे का यहाँ पे 350 है, और उसमें बस आपको अंदर का एरिया में आप बच्चे को खिला सकते हैं, प्लस यहाँ पे फिर 5 घंटे का चार्जेस है, पूरे दिन भर का 1200 है, प्लस यहाँ पे रोल प्ले जो एक्टिविटीज़ होती हैं, रोल प्ले वाली हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन या मतलब बहुत सारे यहाँ पे ग्रॉसरी वाली, बहुत सारे यहाँ पे फायर ब्रिगेड, मतलब ये सब आप पे रोल प्ले कर सकते हो, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, यहाँ पे आपको खाना पीना मतलब सब मिल जाएगा। तो प्लस ये अंदर का एरिया कुछ इस तरह से, तो अंदर जो है बहुत सारे हेल्प करने के लिए दीदीज रहती हैं एक्टिविटीज़ करवाने के लिए, तो टेंशन की बात नहीं, आप उनके साथ उनको छोड़ सकते हो। प्लस अगर आपको भी बच्चे के साथ रहना है वहाँ पे, तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बट बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, और वहाँ पे अच्छे से वो बच्चे का ध्यान रखते हैं, तो इतना आप चाहो तो आप जा सकते हो, वरना आप बाहर भी वेट कर सकते हो। एंड बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ है, एक रॉक क्लाइंबिंग वाली एक्टिविटीज़ है बड़े बच्चों के लिए, 5 साल से ऊपर के बच्चे यहाँ पे कर सकते हैं क्लाइंबिंग वॉल, एंड काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ बच्चों के यहाँ पे हो जाती है, एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो उनको भी अच्छा लगता है, एंड उनके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और थोड़ा सा बोरिंग रूटीन से हट कर यहाँ पर आते हैं, तो उनको भी उनका दिन भी अच्छा जाता है, उनको भी खुश होती है। तो यहाँ पर अपने बच्चों को आप लेके आ सकते हो। इस तरह से यहाँ पे टॉयज रखे हुए हैं, ये देखिए ऐसे सेट रखे हुए हैं। तो ये तो घर पे रहते हैं बच्चे, बट घर पे भी रहते हैं, घर पे नहीं खेलते, बट यहाँ पे आकर उनको ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है, क्योंकि पूरा एनवायरनमेंट ही बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया हुआ है, बहुत कलरफुल सा, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर हैं, जैसे इसमें बच्चे जंप कर सकते हैं, इसके अंदर बॉल रखी हुई है उसमें भी खेल सकते हैं, यहाँ पर टम्बलिन है इसमें जंप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 साल से 15 साल के बच्चे आराम से यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इस तरफ स्लाइड्स है जो कि बॉल से भरी हुई है, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, बहुत ही फेवरेट रहती है बॉल्स के साथ, बहुत सारी बॉल्स है कलरफुल। तो ये है अंदर से कुछ इस तरह से बनाया हुआ है एक्टिविटीज़ करने के लिए। यहाँ पर बॉक्सिंग बैग रखा हुआ है, पंचिंग बैग है, यहाँ पे स्लाइड्स है, स्विंग्स हैं, यहाँ से फिर से क्लाइंबिंग वाला है, फिर आप ऊपर जाओगे। बड़ों को एक्चुअली अलाउड नहीं करते हैं, वो खुद ही बच्चों के साथ अच्छे से जाते हैं, बहुत अच्छे से इन बच्चों को हैंडल करते हैं, इस तरह से बच्चे ऊपर जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस है, और मैट अच्छे से लगी हुई नीचे, तो ऐसे चोट वोट का डर नहीं है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी मैट नीचे बिछी हुई है, तो डर नहीं है, एंड वो अच्छे से बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। उस तरफ से स्लाइड्स है, स्लाइड्स में फिर नीचे जाके आप बॉल वाले एरिया में जाओगे। तो इस तरह से यहाँ पे है, ये देखिए, तो बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको एकदम कलरफुल और एक पूरा पैम्परिंग वाला वहाँ पे पूरा मिलता है वहाँ पे, और अच्छे से दीदी उनसे बातें करती हैं, उनकी सुनती हैं, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे क्या क्या मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो फायर स्टेशन है, तो ये रोल प्ले वाला है, आपको रोल प्ले करवाना है तो इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। एंड यहाँ पे ये पेंट बॉल जो गन से पेंट करते हो ना, वो वाला है। यहाँ पे एक ग्रॉसरी स्टोर है, ये सब रोल प्ले आपको करने हो तो यहाँ पे ये कर सकते हैं। ये बैंक है, बैंक वाला रोल प्ले भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बगल में हॉस्पिटल है, पूरा डॉक्टर पेशेंट सारा यहाँ पे ये आपको एक्टिविटी करवाएंगे बच्चे की, ये आप कर सकते हो। यहाँ पे पुलिस स्टेशन है,
एंड ये कैफ़े है। तो ये सब ये यहाँ पे रोल प्ले वाली एक्टिविटी है। यहाँ पे स्कूल के पूरे बैच के बैच आते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी कलरफुल और वाइब्रेंट और बच्चों के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा एरिया बना हुआ है। एंड यहाँ पे 1, 2, 3 अल्फाबेट्स नंबर्स सब कुछ हैं। तो ये एरिया यहाँ पे है इस तरह से। यहाँ पे बच्चे इसके अंदर से आ सकते हैं, टनल बनी हुई है। तो उनको एक एडवेंचरस वाला यू नो फील आता है एंड उनको भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो दे आर गोइंग टू इंजॉय इट। तो बच्चों को यहाँ पे लेके आइए एंड कभी कभी महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार आप उनको वीकली यहाँ पे लेके आ सकते हो। इसका एड्रेस जो है मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये वाला एरिया जो बाहर का है, यहाँ पे आपको फायर इंजीनियर बन सकते हो, यहाँ पे पूरा रोल प्ले कर सकते हो। ऐसे बिल्डिंग बना रखे उसमें फायर लगेगी, फिर आपको गन दिया जाएगा वाटर वाली, आप उससे पूरी यू नो आग बुझा सकते हो। तो ये सब रोल प्ले आपको यहाँ पे करने के लिए मिल जाएगा, उसके आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। इस तरह से ये एरिया आपको दिख जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द बीन स्टॉक, तो आपको बाहर से ही मिल जाएगा। आप गूगल में डाल के डायरेक्शन उसमें आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। एंड ये बीन स्टॉक इंदिरा नगर कॉलोनी देहरादून, यहाँ पे आए मोबाइल नंबर दिया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।